हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे आर्टिकल की वर्कशीट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एड ए और आर्टिकल एन बिफोर द वर्ड। सो देखिए, हम आर्टिकल ए कहां पे यूज करते हैं, बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, और आर्टिकल एन हम कहां पर यूज करते हैं, बिफोर द साउंड ऑफ वोवल। ठीक है, जहां पर वोवल की साउंड आएगी। और वोवल कौन कौन से होते हैं हमारे, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, सो उनके साथ आएगा आर्टिकल ए। ठीक है, सो यहां पे क्या आएगा, इसकी साउंड देखो ब है। सो अ बलून, एन एरो, एन एग, एन इंकपोट, एन एल्बो, एन आई, अ फिश। ठीक है, अ टोर्टोइज, अ हॉस्पिटल, अ फ्लावर, एन ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे जो ऑनेस्ट और आवर जो वर्ड है, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, तो यहाँ पे जो साउंड है वो आ की आती है। ठीक है, ऑनेस्ट, आवर, सो इसलिए हम यहाँ पे एन यूज करेंगे, आर्टिकल एन यूज करेंगे। अ बुक, अ स्टार। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक, हॉर्स रन फास्ट, अ हॉर्स रन फास्ट। ठीक है, जो हॉर्स है वो तेज दौड़ता है। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल है ना, हमें ए, ए एन और द तीनों आर्टिकल्स जो है हमें यहाँ पे फिल करने हैं तीनों आर्टिकल में से। सो देखिए, हम किसी पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। अब द हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में तो बात नहीं हो रही है। जैसे मैं बोलती माय हॉर्स, तब तो पर्टिकुलर होता क्योंकि मैं अपने घोड़े के बारे में बात कर रही हूं, या द हॉर्स दैट आई सॉ लास्ट नाइट, जो कि मैंने लास्ट नाइट को देखा था, अब वो भी पर्टिकुलर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ सभी हॉर्स के बारे में बता रहे हैं कि जो हॉर्स होते हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं, तो आ हॉर्स रन फास्ट। अब यहां पे मून के आगे क्या आएगा, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो, मुझे एक मैंगो खाना है। ब्लैंक रिवर इज फुल ऑफ वॉटर, सो आ रिवर इज फुल ऑफ वॉटर या द रिवर इज फुल ऑफ वॉटर, क्या आएगा दोनों में से, सो यहां पर आएगा द रिवर इज फुल ऑफ वॉटर, जो नदी थी वो पानी से भरी हुई थी। अब आ रिवर इज फुल ऑफ वॉटर, एक जो नदी है वो पानी से भरी है, कर सकते हैं हम यूज, क्या हम यहाँ पे आ यूज कर सकते हैं। देखिए एन तो आएगा नहीं, क्योंकि एन तो कहां पे आता है, बिफोर द साउंड ऑफ वोवल आता है। अब अ रिवर इज फुल ऑफ वॉटर, एक नदी जो है वो पानी से भरी है, क्या सही है। अब जरूरी नहीं है कि जो नदी है वो पानी से भरी है, तो इसलिए यहाँ पे द यूज करेंगे, क्योंकि ये उस रिवर की बात करें जो कि पानी से बिल्कुल भरी हुई थी। ठीक है, ब्लैंक बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, अ बर्ड आएगा नहीं, क्योंकि बर्ड्स है, एन भी नहीं आएगा, तो द बर्ड्स, हम उन बर्ड्स के बारे में बात करें जो कि आसमान में उड़ रहे थे। ठीक है, द अर्थ गोज राउंड इन, सॉरी यहाँ पे जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन सही नहीं है, द अर्थ गोज राउंड, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, द, और एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ था सन। ठीक है, बाय मिस्टेक ऊपर वाला जो सेंटेंस है स्काई वो यहाँ पे लिखा गया है इन स्काई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द अर्थ गोज राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सन के चारों चक्कर, मतलब गोल चक्कर लगाती है, सो यहाँ पे आएगा द सन। ब्लैंक ओल्ड मैन कांट बिकेम, सो जो बूढ़ा आदमी है वो नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, एक मिनट देखते हैं, पीछे लिखा हुआ है यंग बॉय अगेन, सो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे हम सभी बूढ़े आदमियों के बारे में बोल रहे हैं कि जो एन ओल्ड मैन है, एक जो बूढ़ा आदमी है, कांट बिकेम अ यंग बॉय अगेन, वो कभी भी जो दोबारा एक यंग बॉय नहीं बन सकता। एक बूढ़ा आदमी, क्या कोई भी अगर बूढ़ा हो जाएगा वो वापिस जो है जवान नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट है टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, क्या आएगा, एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे क्या आएगा, एन ओल्ड मैन एंड अ लिटिल गर्ल एंटर्ड इन द होटल, एक जो बूढ़ा आदमी और एक जो छोटी लड़की थी, उन्होंने होटल के अंदर एंटर्ड किया। मनीष बोट अ डोल फॉर हिज सिस्टर, अब यहाँ पे क्या आएगा, द डोल, क्योंकि हम किस डोल के बारे में बात करें, जो कि मनीष ने अपनी बहन के लिए खरीदी थी, तो मनीष बोट अ डोल फॉर हिज सिस्टर, जो मनीष ने अपनी बहन के लिए खरीदी थी उसी डोल के बारे में हम बात करें, तो द डोल वॉज गिफ्ट फॉर हर बर्थडे, जो डोल थी वो उसका क्या थी, वो उसका गिफ्ट थी उसके जन्मदिन पर, जो उसके भाई ने दी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड है, फिल आर्टिकल ए और ए एन, इट इज, तो क्या आएगा यहाँ पे, अ डॉग, इट इज एन एलिफेंट,
इट इज अ कार, इट इज एन इग्लू. शी एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया. आयशा एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट देखा. आई हैव अ टेस्ट टूडे, आज मेरा टेस्ट है. ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है. सो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी. टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.